हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे, अगर आप यूएई वर्क वीज़ा पे और यूएई के अंदर मौजूद हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है जो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, अगर आप यूएई के रेजिडेंट हैं यानी कि यूएई के वर्क वीज़ा में हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, या फिर आप यूएई का वर्क वीज़ा ले रहे हैं, ठीक है, नया वर्क वीज़ा ले रहे हैं, विजिट वीज़ा से वर्क वीज़ा या वर्क वीज़ा टू वर्क वीज़ा आप ट्रांसफ़र भी करा रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं उन्होंने, उसको आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ही आप साइन कीजिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी जो है मोहरे पे जितने भी केसेस आ रहे हैं जो कि यहाँ पे लेबर कोर्ट्स में जाते हैं, आगे आप कंप्लेन करते हैं, अगर आपकी कंप्लेन कोर्ट तक जाती है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कागज़ देखा जाता है और कुछ भी नहीं। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, लेकिन हम केस हार गए हैं, हमारा इतना पैसा चला गया। बाद में जब उनका कॉन्ट्रैक्ट पेपर मैं देखती हूँ तो उसमें साफ साफ वो चीज़ लिखा हुआ होता है, चाहे वो छुट्टी से रिलेटेड हो, सैलरी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से, वर्किंग आवर, वर्किंग डेज, ओवर टाइम, किसी से भी रिलेटेड हो, सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में मेंशनड होती हैं। अगर पहले क्या होता था कि हम अगर मोहरे पर जाके कंप्लेन करते थे ना तो हमारी सुनी जाती थी, लेकिन अब सारी चीज़ AI के अंडर में आ गई है। सारी चीज़ें ये लोग क्या करते हैं, आपकी एमिरेट्स आईडी स्कैन हो गई, आपके बारे में पता चल गया, ठीक है, उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में अभी बारकोड हो रहा है, बारकोड को ये लोग लगा देते हैं, उनके सामने पूरा आ जाता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें मैंशनड है, उनको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो लोग बारकोड जो है वो स्कैन करते हैं। उसके बाद आपकी जो कंप्लेन है वो लिखी जाती, दोनों चीज़ें अगर मैच नहीं होती है तो वहीं पर आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जाएगी। इसलिए कागज़ी चीज़ें बहुत परफेक्ट रखिए, क्या रूल है, रेगुलेशन है, किस पर आपने साइन किया है, क्या साइन किया है, सारी चीज़ों को परफेक्ट रखिए ताकि इन फ्यूचर आपके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी सुनी जाए। अगर आपके पेपर्स सही रहेंगे, आपके पास प्रूफ रहेगा, तो ही जो यहाँ की जो लेबर कोर्ट है वो कंपनी के खिलाफ जाएगी, वरना नहीं जाती है। अगर आप लोग कोई भी केस आपकी रनिंग है तो आप ज़रूर से देखिए कि क्या आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, क्या आपके पास पेपर है, तभी सुनी जाएगी। ये बोलने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं सुनी जाती है, वो कोई प्रूफ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।